वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाइज आप ओट्स कैसे घर पे बना सकते हैं और गाइज आपको देने वाले एक अच्छी सी ओट्स की रेसिपी। तो गाइज चलिए ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करते हुए तो अपने किचन में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या जरूरी चीजें जो रखी हैं ओट्स बनाने के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पास ये थोड़ा फ्लेवर वाले ओट्स हैं जो कि हमने योगा बार के मंगाए थे। गाइज ये चॉकलेटी फ्लेवर वाले हैं, इसमें ये देखिए गाइज थोड़ी चीजें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पड़े हुए हैं गाइज, और हमारे पास है नॉर्मल ओट्स भी हैं गाइस, जिनको हम इसी में मिला लेते हैं तो गाइस चॉकलेटी ये भी हो जाते हैं, जिससे हमारा फायदा रहता है कि अगर आप इसको 1 kg मंगाएं, इसको 1/2 kg मंगाएं, तब भी आपको फ्लेवर वही रहेगा गाइस। ये आप होशियारी थोड़ी सी कर सकते हैं ताकि आपको पूरा चॉकलेटी ना मंगाना पड़े। ये वाला सस्ता आता है, ये वाला महंगा आता है, तो इससे गाइस आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो भी तरीका बताता हूँ, भले वो जिम का प्लान लेने वाला हो या फिर कोई रेसिपी वाला हो, सब बजट फ्रेंडली होता है यहाँ पे। तो गाइज ये भी आपको बजट फ्रेंडली करने के लिए एक चीज़ मैंने बता दिया कि आप इसको मंगा सकते हैं, जिससे आपका फ्लेवर सही रहेगा थोड़ा सा। और गाइज सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे 2-3 बादाम रखे हुए हैं, थोड़ी सी किशमिश रखी हुई है, और गाइज ये मखाने रखे हुए हैं गाइज यहाँ पे। अगर आपके पास ये है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, आपके गेनिंग में तब भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए गाइज आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना। और गाइज हमारे पास एक चीज़ और है जो कि हमारे पास है यहाँ पे सबसे मेन, मिल्क। गैस आपके पास मिल्क ज़रूर होना चाहिए, तो गैस जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से हमको मिल्क रखना है। और गैस अगर आपके पास मिल्क ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें पानी ना मिलाएं, अगर आप इतना मिल्क यूज़ करते हैं थोड़ा सा तो उसमें आप वाटर भी डाल सकते हैं, जिसके वहाँ ज़्यादा मिल्क ना हो। तो चलिए गैस अब आपको बताते हैं कैसे क्या करना। तो गैस सबसे पहले आपको यहाँ पे गैस को ऑन कर लेना है इस तरह से, फिर गैस आपको ऐसे बाउल लेके यहाँ पे रख देना है, फिर गैस इसमें सबसे पहले आपको दूध डाल लेना है इस तरह से। फिर गैस आपको इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला लेना है, इतना सा, ज़्यादा मत मिलाएं। फिर गैस आपको इसमें ओट्स वगैरह डाल लेना है, फिर गैस ये वाले चॉकलेटी फ्लेवर वाले भी आपको डाल लेना है इसमें। और गैस अगर आपको थोड़ा सा मीठा खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं गैस, जैसे हम मैं तो 1.5 चम्मच इसमें यूज़ करता हूँ इस तरह से, थोड़ी सी हल्की सी और इस तरह से। और गैस अब आपको ये डाल देना है सारी चीज़ें, इसको थोड़ा सा चला देना है थोड़ा सा गैस, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फ्लेवर। फिर गैस इसमें ये सब डाल देते हैं ये के करके, इसका गैस फ्लेम थोड़ा सा धीमा कर लेंगे। अब गैस आप सभी लोग देख सकते हैं बादाम के गैस आप पीसेस भी कर सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं आप। अब गैस इसको फिर से इसी तरह से इसमें चला देना अच्छे से, इसको बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का समय ही लगता है गैस। ये देखिए गैस ज़्यादा देर तक आपको नहीं रखना है गैस इसमें, नहीं तो सब जल जाएगा। हम बस इसको गैस थोड़ी देर और इस पर रखें क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बॉयल होने लगा है, हमारे ड्राई फ्रूट्स बस थोड़ा सा अच्छे से हो जाए बस। गैस इसी तरह से आपको चलाते रहना, नहीं तो ये नीचे जम जाए, कटोरी में लग जाएगा। तो चलिए गैस अब गैस को बंद करके इसको उतार लेते हैं। तो गैस आपको हाथ से नहीं पकड़ लेना, इस तरह की जो ये पकड़ होती है इससे आपको उतारना है इस तरह से। और गैस हमारे ओट्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं बन के। तो गाइस ये देखिए हम लोग आपको इस तरह से लाइट बंद करके थोड़ी सी आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं, ये देखिए गाइस कैसे बने हुए पूरे चॉकलेटी हो गए गाइस अच्छे से। और गाइस अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, फिर गाइस आपको इसका टेस्ट बताएंगे कैसा टेस्ट बना। वैसे गाइस मुझको तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और गाइस अभी आपको बताता हूँ कैसे लगते हैं। हमारे ओट्स तो बन गए, बारी इसको टेस्ट करने की, तो चलिए गाइस इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आया है। तो गाइस ये पहली बाइट हम लोग लेने वाले हैं। तो गाइस इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और ज़्यादा ये थोड़ा सा ज़्यादा मीठा भी नहीं है गाइस, बिल्कुल नॉर्मल मीठा है गाइस, आपको इससे कोई एलर्जी नहीं होगी। और गाइस बिल्कुल अच्छा हुआ बना, बिल्कुल परफेक्ट गाइस। और गाइस जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले थे उन्होंने इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा कर दिया है। तो गाइस मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा यम्मी बन गया है। और ख़त्म कर लिया। और गाइस आई होप आपको अब ये रेसिपी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए रेसिपी वाली, गाइस प्रोटीन जैसे प्रोटीन वाली रेसिपी चाहिए, जैसे सोया चंक्स वगैरह बनाना होगा, तो गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो गाइस आप कमेंट करें। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें वीडियो को, और गाइस ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।